रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुरादाबाद की धरती से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सपा के हालात कितने खराब हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं। अब वो लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं। बहनों भाइयों, जो डूबता हुआ होता है उसके लिए तो तिनके का ही सहारा बहुत होता है। सपा भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया है। राजनाथ सिंह ने इस बार भाजपा सरकार आने पर एक नारा मंच से दिया है, जब होगा कानून का शासन तब विकास योगासन। एक आसन हमने सपा और कांग्रेस के लिए हमने छोड़ दिया है, शीर्षासन। रक्षा मंत्री ने मुरादाबाद की धरती से लद्दाख में सेना का शौर्य भी याद दिलाया है। उन्होंने पूरे भाषण के दौरान कई बार सपा पर जोरदार प्रहार किए और सीधे तौर पर कहा कि सपा बसपा गुंडों की पार्टी है, उनके ज्यादातर नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं और बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जेल में बंद है। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला रखा है और कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि भाजपा की सरकार में किसी भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। वहीं कल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में लगाए गए आरोप का भी रक्षा मंत्री ने मुरादाबाद की धरती से जवाब देते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार की गलत नीति के चलते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हो गई है, ये कहकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की एक घाटी उन्हें सौंप दी थी। रक्षा मंत्री आज मुरादाबाद के काट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार चुन्नू के लिए एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करें। यह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हिंदू मुसलमान जात पात के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। उन्हें इस सच्चाई को समझना चाहिए, भारत के चरित्र को समझना चाहिए। बहनों भाइयों, दुनिया का अकेला देश है यह भारत, जिस भारत के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने पूरे भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। पूरे विश्व को ही हमने परिवार बनाया। हमारी सदस्यता, हमारी उदारता इस सीमा तक नहीं है। नाग पंचमी के दिन भी जहर से भरे सर्प को भी दूध पिलाकर कामना करने वाला कोई है तो भारत के घर में रहने वाले लोग। जहरीले सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करें। ऐसे भारत को आप जाति पंथ और मजहब के आधार पर यह तमाम बसपा मानकर सरकार बना दिया। मैं सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति देश बनाने के लिए की जाती है। मेरे बहनों भाइयों, राजनीति समाज बनाने के लिए की जाती है। यह तरीका नहीं जिस तरीके से राजनीति करें समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। आपने देखा होगा टूटे बदमाश कितने हौसले थे, माफिया करके की चोट पर अपने सीने का मतलब खोल कर चलते। आप किसी मां के बाप की हिम्मत है चलने का, और हमारा बुलडोजर वाला बाबा को जहां भी कोई जरूरत करता है बुलडोजर छोड़। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चला कर केवल उनके जो भी उन्होंने बिल्डिंग अथवा महल बना रखा है उसको केवल खराश नहीं कर देता है, बल्कि जिस जमीन पर वह बिल्डिंग बनी है वह महल बना है, वहां पर गरीबों के लिए घर बनवाता है। और आप जानते हैं विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। जब तक चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसी राज्य का अथवा देश का किसी भी सूरत में विकास नहीं होगा। पहली शर्त, विकास की पहली शर्त को हम लोगों ने पूरा किया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार आज आएगी तो बहनों भाइयों, इन सब सारे इंदे बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए, माफियाओं का वैसे ही बोल रहा हो गए। क्या
में दोहराई जानी चाहिए। विकास यदि हमने कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है तो विकास भी उतनी तेजी के साथ होगा। हर ब्लॉक और तहसील को दो लेन की पक्की सड़कों से जोड़ा। परसों पहली तारीख पेश किया गया है उस बजट को उठाकर आप देखिए, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में मुकम्मल व्यवस्था की गई है धान और गेहूं की खरीद करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद करने के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जितने भी ऐसे प्रभावी कदम है या सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार उठा रही है। इतना ही अन्य लोगों के लिए, अब जैसे मैं कहा हमारे कुछ किसान भाई जो 3 किसान कृषि संबंधित बिल पास हुए थे संसद में, कानून बने थे, उसको लेकर मैं आपत्ति की, आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यह किसानों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। मनाने की समझाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन जब वह तैयार नहीं थे, एक दिन हमारे प्रधानमंत्री सुबह उठे और उन्होंने तुरंत टेलीविजन के ऊपर घोषणा कर दी कि मैं इसे अपनी विफलता मानता हूं कि 3 कृषि संबंधित कानूनों के संबंध में मैं अपने कुछ किसान भाइयों को सहमत नहीं कर पाया हूं, उन्हें राजी नहीं कर पाया हूं, इसलिए 3 कानून वापस किए जाएंगे संसद के द्वारा। उन्होंने बहनों भाइयों, शायद दूसरा प्रधानमंत्री होगा इस संवेदनशीलता का परिचय न देता कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय।